वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमूमन हम सभी को लगता है कि हमारा जो नॉलेज है हमारा जो डे टू डे लाइफ नॉलेज है वो ही हमारा सोशियोलॉजी होता है यानी कि हम सभी को लगता है कि हम खुद एक सोशियोलॉजिस्ट है क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट हमारी इसी सोसाइटी को पढ़ते हैं जिसका हम हिस्सा है लेकिन यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट और जो हम नॉर्मली आमूमन कॉमन सेंसिकल नॉलेज है इसमें बहुत अंतर है कॉमन सेंस के द्वारा हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं और सोशियोलॉजी के द्वारा एक लॉजिकल एक थियोरिटिकल अप्रोच होता है किसी भी चीज को देखने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम कोई भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए तो आज के इस क्लास में हम इसी सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली पूरी क्लास को हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर हम समझेंगे कॉमन सेंस क्या है सोशियोलॉजी क्या होता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और आखिर में इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है थोड़े बहुत जो सिमिलरिटीज़ है और एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिस्टमेटिकली समझने वाले हैं पहले हम शुरुआत करते हैं कॉमन सेंस कॉमन सेंस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ने कॉमन सेंस को डिफाइन किया है उन्होंने कहा है कि ये एक रूटीन नॉलेज है यानी कि जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनका ये एक रूटीन नॉलेज है जो वो एवरीडे एक्टिविटीज़ के द्वारा गेन करते हैं यानी कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए सोसाइटी में चलते हुए जो सारे नॉलेज गेन करते हैं हमारे एवरीडे एक्टिविटीज़ के द्वारा वो सारे नॉलेज हमारे कॉमन सेंस नॉलेज है कॉमन सेंस हमारा थियोरिटिकल नॉलेज से बहुत अलग होता है कॉमन सेंस नॉलेज को हम नेचुरलिस्टिक नॉलेज भी कह सकते हैं हमारे सोसाइटी में जो भी घटनाएँ घट रही है उसको हम एक नेचुरल तरीके से कि हम अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रेजेंट करेंगे हम हमारे नेचुरल तौर तरीके से जब प्रेजेंट करेंगे वो कॉमन सेंस होगा यहाँ पर ये यह जो कॉमन सेंस होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पर हमारा हर एक इंसान का कोई भी एक घटना के प्रति नॉलेज अलग होगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा इस इस वजह से इस कॉमन सेंस को हम इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं जो हमारे एवरीडे नॉलेज के द्वारा तैयार होता है अब यहाँ पर तो दिक्कत कौन सी जगह पर है क्योंकि हम हमारी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम हमारी सोसाइटी को यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को भी समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कॉमन सेंस में दिक्कत क्या आ रही है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में बहुत फ़र्क है कॉमन सेंस नॉलेज में नॉर्मली हम फॉल्स चीज़ों को भी कंसीडर कर लेते हैं यानी कि जो चीज़ हमें लगता है कि ये सही है वो हमारे हिसाब से सही हो जाता है लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के हिसाब से या फिर हम अगर वर्ल्ड व्यू के बात करें उसके हिसाब से ये सही नहीं हो सकता है जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इस एग्ज़ाम्पल को हम पूरी क्लास में इसी एग्ज़ाम्पल इस को हम दोहराएंगे दोराए, और अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जैसे अगर कोई एक इंसान गरीब है तो हम उसको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अमूमा नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि कोई भी एक इंसान इस वजह से गरीब है क्योंकि वो काम नहीं करता है या फिर वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता है लेकिन जब हम सोशियोलॉजी के लिए इस चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान गरीब वो ख़ुद के वजह से नहीं होता है यहां पर हमारे सोसाइटी का रोल होता है हमारा स्ट्रक्चरल इनिक्वेलिटी गवर्नमेंट का रोल ये सारी चीज़ें प्ले करता है यानी कि कोई भी इंसान गरीब सिर्फ अपने वजह से नहीं उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के वजह से होता है लेकिन आमूमन हमारे जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है इसके हिसाब से एक गरीब उसके खुद के वजह से ही गरीब है तो इस वजह से हमारा कॉमन सेंस और जो सोशियोलॉजी है ये थोड़ा अलग है और कॉमन सेंस हमें डे टू डे लाइफ में मदद तो करता है लेकिन यहां से यहाँ पर बहुत सारे हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीजों को फॉल्स एक्सप्लेन भी करता है अब यहाँ पर हम हमारे डे टू डे लाइफ में एवरीडे लाइफ में हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं कोई भी सोशल सिचुएशन हो उसको समझने के लिए हमारे दुनिया में कोई भी घटना घट रही हो उसको समझने के लिए हम हमारा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में बहुत अंतर होता है जब हम सोशियोलॉजी की बात करें तो यह एक और एक डिफरेंट लेंसेस के थ्रू सोसाइटी को देखता है यहाँ पर जो सोशियोलॉजी होता है सोशियोलॉजी थियोरिटिकल इन्वेस्टिगेशन करता है यहाँ पर रिसर्च करता है बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिक तौर तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है यहाँ पर हमारे सोसाइटी में जो भी बिलीव्स है एजामशंस है स्टीरियोटाइप है प्रिजुडिस है ये सारी चीज़ों को सोशियोलॉजी चैलेंज करता है यानी कि हम कॉमन सेंसिकली जो सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सारे चीज़ों को सोशियोलॉजी चैलेंज करता है वहाँ पर कौन सी चीज़ सही है और गलत है ये हमें समझने में सोशियोलॉजी मदद करती है तो अब तक आपको कॉमन सेंस क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब हम थोड़ा देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है सोशियोलॉजी क्या है इसका मतलब क्या है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी क्लास करा के रखी है यहाँ पर हम सिंपली चीज़ों को थोड़ा और एक बार समझने की कोशिश करेंगे सोशियोलॉजी को अगर हम एकदम सिंपल तरीके से कहे तो इसको हम कह सकते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी जब हम सोसाइटी को हमारे ह्यूमन सोसाइटी को साइंटिफिक तौर तरीक़ों से समझेंगे तब इसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पर हम सोसाइटी को पढ़ते हैं सोशल बिहेवियर सोशल रिलेशनशिप का पैटर्न सोशल इंटरेक्शन कल्चर ये सारे चीज़ों को जब हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं कॉमन सेंस के द्वारा भी हम ये सारी चीज़ों को समझते हैं अपने हिसाब से इंटरप्रिट करते हैं लेकिन हम जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तब हम ये सारी चीज़ों को साइंटिफिक तौर तरीक़ों से समझते हैं बहुत सारे अलग अलग थियोरिस्ट्स हैं जो ये सारे चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करते हैं उन्होंने क्या पढ़ा है उनका क्या फाइंडिंग्स है वो सारे चीज़ों के द्वारा हम एक थ्योरी को तैयार करने की कोशिश करते हैं या फिर एक थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं इस वजह से सोशियोलॉजी हमारे सोसाइटी को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर ये यह जो सोशियोलॉजी है ये एक सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ करता है यहाँ पर रिसर्च जब हम करते हैं बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं क्वालिटेटिव मेथड क्वांटिटेटिव मेथड में बहुत सारे अलग अलग मेथड होता है जहाँ पर हम सिस्टमेटिक तौर तरीकों से सोशियल पैटर्न उसके इंस्टीट्यूशंस और इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं अब सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली पढ़ते क्या है वो लोग मेनली कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं सोशियोलॉजिस्ट जो है उनका मेन एम होता है सोसाइटी को फंक्शन को समझना सोसाइटी में जो अलग अलग फेनोमेना है अलग अलग घटनाएं हैं वो किस तरीके से घट रही है किस वजह से घट रही है उसको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करना यहाँ पर जो इंडिविजुअल और ग्रुप है ये सारे चीज़ों का इम्पैक्ट को भी पढ़ना यानी कि हम एकदम अगर सिंपल तरीके से सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी हमें साइंटिफिक तौर तरीक़ों से हमारी सोसाइटी को समझने में मदद करता है और अगर हम कॉमन सेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हमारे डे टू डे नॉलेज का यूज़ करके हमारा रूटीन नॉलेज को यूज़ करके जो भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो हो जाएगा कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में हम हमारा साइंटिफिक नॉलेज और जो भी अलग अलग थ्योरिस्ट ने पढ़ाई की है उनका जो रिसर्च है फाइंडिंग्स है उनको उनके द्वारा जब सोसाइटी को समझेंगे वो हो जाएगा हमारा सोशियोलॉजी इस वजह से सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस ये दोनों थोड़ा अलग है इनको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा क्योंकि हमें आमूमन लगता है कि हम खुद एक सोशियोलॉजिस्ट है लेकिन आप खुद एक दो बुक पढ़ने से सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन जाओगे या फिर आप कॉमन सेंस थोड़ा बेहतर होने से आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनोगे सोशियोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है अब सोशियोलॉजी जो वर्ड है इसको बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है यहाँ पर आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो आप ये सारे डेफिनेशंस देख सकते हो ये सारे डेफिनेशंस का एक ही समराइजेशन है कि हर कोई कह रहा है कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक तरीके से हमारी सोसाइटी को पढ़ता है यहाँ पर जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है सोशल लाइफ है ये सारे चीज़ों को हम साइंटिफिक तौर तरीक़ों से पढ़ते हैं अब हम सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में डिफरेंस देखते हैं मैंने पहले ही कहा है कि पॉबर्टी का जो एग्जाम्पल है उसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा और इसके द्वारा ही हम पूरी क्लास को समझने की कोशिश करेंगे अब यहां पर जब कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी की डिफरेंस की हम बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है हमारा पॉवर्टी पोवर्टी को हम कॉमन सेंसिकल नॉलेज के द्वारा ये समझते हैं कि कोई भी इंसान इनकेपेबल है काम करने के लिए या फिर वो काम नहीं करता है इस वजह से वो लोग पोवर्टी में है या फिर गरीब गरीबी में हैं लेकिन जब हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल इनिक्वेलिटीज़ और डिजेबिलिटीज़ होते हैं जिसके वजह से लोग गरीब रहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल हो सकता है या फिर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इसके वजह से वो इंसान गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी जिसको ऑस्कार लुइस ने दिया था उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से लोगों का कल्चर उनको गरीब रखने में मदद करता है या फिर उनको गरीबी में ही रखता है जैसे हम अगर बात करें ट्राइबल सोसाइटीज़ की तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं वो हमारी नॉर्मल सिविलाइज्ड सोसाइटी से थोड़ा दूर ही रहते हैं तो उनका जो गरीबी है वो कभी इस वजह से ख़त्म ही नहीं होता है इसके अलावा भी सलाम्स में बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जहाँ पर उनके कल्चर के वजह से वो लोग और भी ज़्यादा गरीबी में धस रहे हैं और इसके अलावा भी जो हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है वो लोगों में इनिक्वल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इस वजह से हम अगर नॉर्मल कॉमन सेंस से यूज़ करेंगे तो पॉवर्टी को हम सिर्फ एक इंसान के नाकामयाबी की तरह देखेंगे लेकिन जब हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करती है इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉमन सेंस और सोसाइटी के बारे में जो भी कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के रिगार्डिंग वो सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं बन जाता है क्योंकि कॉमन सेंस हमें बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है हमारे सोसाइटी के रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन तो इस वजह से हमें कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी को डिफरेंशिएट करना है और ये दोनों में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है वो है हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं हमारा देखने का जो नज़रिया है उसमें जब हम डिफरेंस करेंगे तब हम सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफ़रेंशिएट कर पाएंगे आप लोग जब बुक पढ़ो पढ़ते हो तो आप लोगों को लगता होगा कि हम सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और ये सारे चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं इस वजह से हम सोशियोलॉजी के बेहतर तरीके से समझ पाते हैं लेकिन ये जो गलत फहमी है इसको आप लोग थोड़ा दूर रखिएगा क्योंकि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस थोड़ा अलग है हम अलग अलग जो थ्योरिस्ट्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं बाद में जाकर एक कंक्लूजन में आते हैं कि वो चीज़ सही है कि गलत है किस वजह से सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी बहुत डिफरेंट होता है अब यहाँ पर एक टेबल के द्वारा हम कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में जो डिफरेंस है इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं और एग्जाम में हम अच्छी तरीके से आंसर कर पाए इस तरीके का यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन देने की कोशिश की है जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं कॉमन सेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यानी कि कोई भी एक घटना के प्रति लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग हो सकता है यानी कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज डिफरेंट हो सकता है लेकिन सोशियोलॉजी हमें एक लॉजिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है यानी कि कोई भी घटना घटी है उसके रिगार्डिंग हमारा एक लॉजिकल साइंटिफिक एक अप्रोच होगा कोई भी सोसाइटी में जो बिलीव पैटर्न है उसको लेकर भी एक लॉजिकल अप्रोच ही रहेगा कॉमन सेंस में सिर्फ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है लेकिन सोशियोलॉजी में ये पर्सन टू पर्सन इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर हम एक लॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं कॉमन सेंस में हम कोई कॉजल एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं यानी कि कोई भी बिलीफ जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ट्रू होता है उसको हम उस सोसाइटी के लिए सही मान लेते हैं और इस वजह से उसका कॉज का कोई सही ढंग का एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे पाते हैं लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं वो हमें एक कॉजल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा कोई किसी भी एक घटना को इन्वेस्टिगेट किया जाता है रिसर्च किया जाता है और बाद में उसका कॉज एंड इफेक्ट का क्या रीज़न है वो हमें एक्सप्लेन किया जाता है इस ये सारे चीज़ों के वजह से कॉमन सेंस जो है वो एक स्टीरियोटाइपिकल बिलीफ की तरफ आगे बढ़ता है यानी कि हमें कुछ चीज़ों के विश्वास करने में मदद करती है या फिर कोई भी जो भी गलत चीज़ है सोसाइटी में वो सारे चीज़ों को समझने में हमें विश्वास करने में हमें जोर देता है जैसे मैंने बताया है कि कोई भी गरीब इंसान उसके नाकाम नाकामयाबी के वजह से है वो गरीब ये हमें विश्वास दिलाता है या फिर कोई भी कास्ट है जो निचले वर्ग का कास्ट है वो किस वजह से गरीब है या फिर उसको किस वजह से ऑप्रेस करना चाहिए ये सारे चीज़ों को सही ठहराता है लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं वो एक प्योरली फैक्ट बेस्ड होता है हमारा प्रैक्टिकली क्या चीजें चल रहा है क्या सारे एक्सप्लेनेशन है वो हमें देता है कॉमन सेंस में हमारा कोई एम्पेरिकल टेस्टिंग या फिर एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन की बात नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कुछ भी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाते हैं इसको हम सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं लेकिन सोशियोलॉजी में हमारा एम्पेकल अप्रोच हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं और एक बेहतर साइंटिफिक तरीके से हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं इस वजह से हमारा कॉमन सेंस जो है वो बेसिकली पर्सनल होता है लेकिन सोशियोलॉजिकल बिलीफ जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है यानी कि हम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में इसको जनरलाइज कर सकते हैं और इस नॉलेज से हम और भी नए तरीके का नॉलेज को गेन कर सकते हैं तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो नोट्स के थ्रू आप लोग ग्रो थ्रू हो जाएगा आप लोग नोट्स अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और अगर जरूरत पड़ी तो स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे नोट्स को आप अपने नोटबुक पर भी लिख लीजिएगा अब देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में हमने डिफरेंस देखी है लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज भी है ये दोनों जो टॉपिक है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं अब ये किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है ये हम थोड़ा देखते हैं जब हम कॉमन सेंस की बात करें तो हमारी सोशियोलॉजी में हाइपोथेसिस बिल्डिंग करने के लिए यानी कि कोई भी एक एजाम्पन के लिए कॉमन सेंस हम यूज़ करते हैं यानी कि सोशियोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस हमें मदद करता है यहाँ पर जो भी कॉमन सेंसिकल नॉलेज है उसको कंसिडर करके ही हम हमारा कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं बाद में जाकर जो भी फाइंडिंग आती है वो डिफरेंट तरीके का हो सकता है लेकिन हमारा इनिशियल स्टार्टिंग जो होता है वो हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज से ही होता है हम हाइपोथेसिस भी हमारे कॉमन सेंसिकल नॉलेज से ही लेते हैं फिर ये जो कॉमन सेंस है वो हमें रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करता है सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि जो भी सोशियोलॉजिस्ट्स है या फिर जो भी सोशियोलॉजी को पढ़ रहा है रिसर्च कर रहा है उसका एक अपना कॉमन सेंसिकल नॉलेज होता है वो अपने सोसाइटी को एक अलग तरीके से देखता है तो हमारा जो रॉ मो मेटेरियल है सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हमें प्रोवाइड करता है कॉमन सेंस बाद में जाकर इसी कॉमन सेंस नॉलेज को हम यूज़ करके धीरे धीरे एक साइंटिफिक नॉलेज में इसको डेवलप करते हैं तो यहाँ पर कॉमन सेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो भी थ्योरिस्ट है या फिर जो भी सोशियोलॉजिस्ट है उसका कॉमन सेंस किस तरीके का है उसका वर्ल्ड व्यू किस तरीके का है ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि रिसर्च कितना बेहतर होगा हाइपोथेसिस कितना बेहतर होगा सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कितना बेहतर होगा यहाँ पर एक थ्योरिस्ट है थ्योरिस्ट है एंथोनी गिडन उन्होंने कहा है कि ये जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है ये भी हमारे कॉमन सेंस नॉलेज को क्रिएट करने में मदद करता है यानी कि हमारा सोशियोलॉजिकल नॉलेज भी कॉमन सेंस नॉलेज धीरे धीरे बन जाता है कॉमन सेंस नॉलेज का पार्ट बन जाता है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि हमारा जो सोसाइटी में मेराइटल ब्रेकडाउन है यानी कि जो शादियाँ टूट जाती है हमने सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये देखा है कि हमारा शादियाँ बहुत ज़्यादा आजकल टूट रही है अलग अलग सोसाइटीज़ में मेरेटल ब्रेकडाउन का बहुत सारे डिफरेंट रीज़न्स है ये सारे रिसर्च के वजह से लोगों को अब ये पता लग रहा है कि ये जो शादियाँ है ये बहुत ज़्यादा टूट रही है जो अमीर है उनके बीच में तो और भी ज़्यादा टूट रही है तो इसके वजह से आजकल ज़्यादातर लोग आप लोग देखोगे कि शादी के खिलाफ होते जा रहे हैं या फिर शादी को एक बहुत ही रिस्की मान रहे हैं ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिकल रिसर्च के वजह से हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन सेंस है वो भी सोशियोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है सोशियोलॉजिकल रिसर्च से इन्फ्लुएंस्ड होता है और ये जो हमारा सोशियोलॉजी है सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी हम हमारे कॉमन सेंसिकल नॉलेज को यूज करते हैं तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और इनके बीच में थोड़ा बहुत हमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम हमारे क्लास के आखिर में आ चुके हैं ये चार्ट के द्वारा आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे चीजों को यहाँ पर आपको सॉल्व होते हुए देख पाओगे यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है ये आप लोगों को पता चल जाएगा अभी तक हमने जो देखा है कॉमन सेंस क्या होता है कॉमन सेंस हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कोई भी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और जो भी चैलेंजेस है वो सारे चैलेंजेस हमारे सोसाइटी के रिगार्डिंग थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी चैलेंजेस है वो कॉमन सेंस हमें प्रोवाइड करता है फिर अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी हमारा वोका वोलारी वोलरी को बढ़ाने में हमें मदद करता है हमारा जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है जैसे आजकल हम हमारी सोसाइटी में जो भी होमोसेक्सुअलिटी है उसको लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ पर उनका जो राइट right है इसके बारे में हम आजकल अवेयर हो रहे हैं यहाँ पर सोशियोलॉजिकल बहुत सारे राइटिंग्स है इस टॉपिक को लेकर या फिर हमारा जो सोसाइटी में मेरेजेस है ये किस वजह से होना चाहिए फैमिली पैटर्न किस वजह से इस तरीके का होना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें सोशियोलॉजी बताता है कि इसको सही ढंग से एक्सप्लेन करता है तो ये सारी चीज़ें हमें कॉमन सेंसिकल बाद में हो जाती है और हमारा कॉमन कॉमन सेंसिकल जो वोकोवेलरी है उसको बढ़ाने में मदद करता है और हमारे सोसाइटी में जो भी स्टीरियो है ये सारे स्टीरियो को सही करने में भी सोशियोलॉजिस्ट के इन्वेस्टिगेशन मदद करता है जैसे हमने बताया है कि पॉवर्टी के बारे में इसके अलावा भी कोई भी कास्ट को जब गलत ठहराया जाता है सोशियोलॉजी हमें एक्सप्लेन करता है कि किस वजह से इसको इस तरीके से गलत ठहराया जा रहा है यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन को लेकर किस किस वजह से रिजर्वेशन जरूरी ज़रूरी है ये सारे चीज़ें भी हमें सोशियोलॉजी बताता है यानी कि हमारा जो भी स्टेरियोटाइप है किसी भी ग्रुप को लेकर या फिर किसी भी लोगों को लेकर ये सारे स्टेरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए हमारा सोशियोलॉजी मदद करता है और हमारा कॉमन सेंस को और भी एनहेंस करता है तो आज के इस क्लास में मैंने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की है अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग मिलते हैं अगले सेशन में तब तक अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए जय हिंद